वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे एक लेसन जिसका नाम है प्लेइंग द गेम। प्लेइंग द गेम का मतलब होता है खेल खेलना, और जिसे लिखे हैं आर्थर मी। दोस्तों कोई भी लेसन पढ़ने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि उस लेसन में क्या दिया गया है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए ताकि आगे से आपको सारे वीडियो प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों एक चीज़ और, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा ताकि इसके क्वेश्चन आंसर आप आसानी से सॉल्व कर सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो कोई इशू नहीं है। दोस्तों चलिए सीधे सीधे टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि इस लेसन में दिया क्या गया है। देखिए ये जो लेसन है प्लेइंग द गेम, इसका नाम है प्लेइंग द गेम, खेल खेलना, जिसे लिखे हैं आर्थर मी। और इस लेसन में कितने कैरेक्टर हैं, कितने लोगों को मिला करके इस लेसन का निर्माण किया गया है उसे जान लेते हैं। जो पहला कैरेक्टर है जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी कहानी, छोटा सा लड़का है जिसका नाम एलन रहता है, और उसकी एक एंड ओल्ड मैन रहता है, एक बूढ़ा आदमी जिसकी वो हेल्प करता है, उसी की वजह से वो मैच नहीं खेल पाता है। एक पुलिस मैन होता है जो जॉली लुकिंग आदमी होता है, हंसमुख चेहरे वाला आदमी होता है, जो एलन की मदद करता है। और हैरोल्ड बैंक्स कौन है, तो एक दूसरा बॉलर रहता है जो एलन के जगह पे क्रिकेट मैच में चुन लिया जाता है। होता क्या ये बाइसिकल क्या है और थ्री टाइम्स होता क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अभी पता चलेगा। तो दोस्तों चलिए सीधे सीधे वीडियो पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों कहानी हमारी शुरू होती है एक लड़के से जिसका नाम रहता है एलन। एलन एक छोटा सा लड़का रहता है और उसके विद्यालय में जहाँ पे पढ़ रहा होता है, तो उसके विद्यालय की तरफ से एक क्रिकेट मैच का आयोजन होता है। तो जो टीम बनी होती है उस टीम में एलन को भी चुना गया होता है। तो एलन अपने पिताजी के साथ कई सप्ताह से बॉलिंग करने का प्रैक्टिस कर रहा था, कई सप्ताह से अच्छी बॉलिंग करने का प्रैक्टिस कर रहा था। इसके पिताजी से बॉलिंग सिखा रहे थे और कई सप्ताह से बॉलिंग करने का प्रैक्टिस कर रहा था। तो इसके पिताजी ने कहा था इसे कि तुम अब अच्छी गेंद फेंक ले रहे हो, अब तुम अच्छे गेंदबाज बन गए हो, और यदि तुम्हारी टीम जो है मैच जीतेगी तो मैं तुम्हें एक नई साइकिल खरीद के दूंगा। तो एलन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है अपने पिता से एक गिफ्ट लेने के लिए, साइकिल गिफ्ट लेने के लिए और जीतने के लिए मैच। तो एलन अंततः वह दिन आ जाता है जिस दिन क्रिकेट मैच रहता है। तो एलन की माँ विदा जब इसे करती हैं तो इसे कहती है बेटा अच्छे से खेलना। तो एलन कहता हाँ मैं अच्छे से खेलूँगा, दिन लगा के खेलूँगा। तो एलन को जिस प्लेग्राउंड में इसे पहुँचना रहता है, उस प्लेग्राउंड में पहुँचने से पहले इसे एक तिकोने रास्ते से होकर के गुजरना होता है। तो वह जैसे ही तिकोने रास्ते पर पहुंचता है तो एलन की मुलाकात एक बूढ़े व्यक्ति से होती है। वह बूढ़ा व्यक्ति अपने डंडे पर ऐसे बेचारा धीरे धीरे वो हो करके चल रहा होता है, तो वो इतना एबल नहीं होता है कि वो सड़क पर सही तरीके से चल पाए। इस वजह से वो बेचारा थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रहा होता है। तो एलन उसके पास जाता है और उससे कहता है मैं आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो बूढ़ा व्यक्ति सुनता नहीं है। उसके बाद एलन उसे पकड़ता है और ये सोचता है कि जितना मतलब इसे छोड़ने में समय लगेगा उतना समय ये दौड़ करके आसानी से अपने प्लेग्राउंड में पहुँच जाएगा। एलन जो है वो जो बूढ़ा व्यक्ति होता है एलन के ऊपर एकदम झुक जाता है और धीरे धीरे लेकर के एलन उसे चलने लगता है। अभी थोड़ी दूर पर ही गया होता है तो होता क्या है, लगता है कि लगभग 5 मिनट हो जाते हैं और एलन को अब थोड़ा सा चिंता सताने लगता है। तो एलन उससे कहता है बूढ़े व्यक्ति से कि श्रीमान आपको जाना कहाँ है। ऐसा लगता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति इसकी आवाज़ को सुनता नहीं है। तो एलन उस बूढ़े व्यक्ति के कानों में पूछता है कि सर आपका घर कहाँ है। तो बूढ़ा व्यक्ति बताता है कि इस सड़क की उस पार मेरा घर है, यदि आप मुझे मेरे घर तक छोड़ दें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। तो एलन जब उसे लेकर के तीव्र गति से बढ़ता है, अचानक जो होता है बूढ़ा उसे एक ठेस लग जाती है, पत्थर से ठेस लग जाती है, वो वहीं पे बैठ जाता है, गिर जाता है, वहाँ अपने लगता है। अब वो कहता है कि मैं अब और ज़्यादा नहीं चल सकता हूँ, वो वहीं बैठ जाता है। एलन उसे अब अकेला छोड़ता भी नहीं, सोचता है कोई आए तो उस रास्ते से कोई गुजरे तो उससे हेल्प मांगे, इसको छोड़ दे तो फिर ये पहुँचे। वो एक एक मिनट जो वो बीतता है वो एक एक घंटे के समान लगता है। तभी अचानक एलन एक पुलिस वाले को देखता है, तो यह इसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, पुलिस वाले को रोकता है। और जैसे ही पुलिस वाले को रोकता है उसे सारी स्टोरी बताता है। पुलिस वाला कहता है परेशान मत होइए, आप जाइए अपना क्रिकेट अच्छे से खेलिए, मैं इस बूढ़े व्यक्ति को इसके घर तक छोड़ दूंगा। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति जो होता है उसकी मदद करता है। एलन जैसे ही दौड़ते दौड़ते अपने
पहुंचता है प्लेग्राउंड में तो देखता है मैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और इसके मतलब मेन गेट पे इसके अध्यापक रहते हैं, कहते हैं कि एलन तुम इतना देर से आए और इतना देर से अगर तुम आए हो तो तुम खेलने के लायक नहीं हो और तुम्हारे स्थान पर हमने किसको खिला लिया है, तुम्हारे स्थान पर हमने हैरोल्ड बैंक्स को खिला लिया जो सौभाग्य से कुछ अच्छी गेंदें फेंक रहा है, अब तुम्हारा टीम में कोई जगह नहीं है। एलन जब इतना सुनता है तो बेचारा उदास हो जाता है और उदासी अवस्था में वो घर जाने लगता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है वैसे इसके पिताजी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, इसके पीठ पर थपथपाते हैं और ये सोच नहीं पाता है कि आखिरकार ये ऐसा कर क्या दिया, अभी तो ये मैच खेला भी नहीं, जीता भी नहीं, इसके पिताजी पीठ पे क्यों थपथपा रहे हैं। तभी इसके पिताजी कहते हैं बेटा वो तुम्हारा गिफ्ट नहीं साइकिल, ये समझ नहीं पाते, कहते हैं बट पिताजी मैं तो मैच जीता नहीं। तो इसके पिताजी ने इससे कहा बेटा मुझे पता है कि तुमने यद्यपि मैच नहीं जीता लेकिन तुमने जीवन का मैच जीत लिया, तुम उस बूढ़े व्यक्ति की जब मदद कर रहे थे तो उस समय वो जॉली लुकिंग आदमी जो पुलिसमैन था उसने मुझे सारी स्टोरी बताया और इसीलिए मैं वहाँ से सीधे बाजार गया, तुम्हारे लिए एक नई साइकिल खरीदा, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया। तुम भले ही मैच नहीं जीते लेकिन तुम दुनिया का मैच, दुनिया का रीति रिवाज का मैच आसानी से जीत गए। और अगले दिन जब एलन विद्यालय पहुँचता है तो 3 बार इसे जयकार की ध्वनि होती है, इसके मतलब जो ये अच्छा काम किया रहता है उसके लिए जो है इसके लिए तालियां बजती हैं और ऐसा केवल विद्यालय के बच्चे ही कर सकते हैं। कहानी हमारी समाप्त हो गई, आई होप दोस्तों आप इसका क्वेश्चन आंसर आसानी से कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।